सुबह अदालत स्थित हनुमान मंदिर के सामने सड़क पर दिनदहाड़े एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने के वायरल वीडियो के मामले से गढ़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गढ़ा टीआई नीलेश दोहरे ने घटना के संबंध में यश भारत को जानकारी दी है और बताया कि विगत 3 सितंबर को गढ़ा क्षेत्र निवासी सोनू तिवारी नामक युवक होटल सी रॉक में कमरा लेने गया था, जिस दौरान वहां के मैनेजर मंजित सिंगरूले ने उससे आईडी मांगी। इसी बात पर सोनू तिवारी बिफर गया और उसने होटल में मामूली विवाद किया, जिसके बाद सोनू वहां से चला गया। इसके बाद 4 सितंबर को सोनू अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा सी रॉक होटल पहुंचा, जहां उसने होटल के मैनेजर मंजित सिंगरूले के साथ मारपीट शुरू कर दी। यहां से मंजित भागते हनुमान मंदिर तरफ भागा, जहां सभी युवकों ने उसकी पिटाई की और फिर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सोनू तिवारी, अंकित चौधरी, मंजित पटेल व नासिर शाह सामने आए हैं। वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों की पुलिस तलाश कर रही। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। मंजित सिंगरोले ये होटल सी रॉक में मैनेजर है। 3 तारीख को यह जब अपने होटल पर था तो सोनू तिवारी होटल में रूम लेने वहाँ पर गया हुआ था, तो मैनेजर के द्वारा इसमें आईडी मांगी जाती है। तो क्योंकि ये लोकल का व्यक्ति है, तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं तो लोकल का हूँ, मेरी आईडी की क्या आवश्यकता है। इसी बात को लेकर इसने मैनेजर से वाद विवाद किया। उस समय तो कोई चीज़ें नहीं हुई। इसी बात की रंजिश रखते हुए उसके अगले दिन 4 तारीख को सोनू तिवारी अपने अन्य साथियों के साथ होटल सी रॉक में जाता है। जब मंजित सिंगरोले अपने होटल में रहता है तो उसको घेर कर मारपीट वाद विवाद करते हैं। वो बचने के लिए जैसे ही बाहर आता है तो इसका पीछा करके रामायण मंदिर के पास में इसको पकड़ लेते हैं और इसके साथ मारपीट करते हैं। उस संबंध में 4 तारीख को मंजित सिंगरोले के द्वारा थाना गढ़ा में रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट पर तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही थी। पीड़ित को भी यह तब संज्ञान में नहीं था कि इसका इस घटना से संबंधित कोई वीडियो बना हुआ है। जैसे ही कल शाम के लगभग ये वीडियो वायरल हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें रात ही में एक टीम का गठन किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और उन्हीं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। अपेक्षा में ले लिया गया है सोनू तिवारी, अंकित चौधरी, नासिर शाह और हेमंत पटेल और अन्य जो व्यक्ति उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके जो और इनका किन थानों में क्या क्या प्रकरण पंजीबद्ध, इस संबंध में जांच की जा रही है। अगर अन्य थानों में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होंगे तो उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में डाला गया था और ये वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो वायरल करता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध भी पुलिस प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्थिति में जबलपुर पुलिस शहर की फिजा नहीं बिगड़ने देगी। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति दहशतगर्दी का माहौल बनाता है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनका बैकग्राउंड सामान्य बैकग्राउंड है, लेबर तबके के लोग हैं। इनका इसमें एक अंकित चौधरी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसके बाद 6-7 मामले पंजीबद्ध हैं और शेष जो हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी ली जा रही है।